नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। स्वागत है आप सबका इस चैनल की पहली वीडियो में, जो कि होने वाली है व्लॉग वीडियो। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कहाँ की होने वाली है। ये एडिटिंग मैं टूर कंप्लीट होने के बाद कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को सब पता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है, तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 8 मार्च की हमारी फ़्लाइट होती है दिल्ली से गोवा की, और आप 20s के हो तो आपने पोगो चैनल पे मैड शो ज़रूर देखा होगा। तो उसका होस्ट हमें प्लेन में मिलता है और हम उसको जप लेते हैं और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। अब कुछ ही टाइम में हम गोवा अराइव होने वाले होते हैं, उससे पहले मैं आपको गोवा पहुँचती है हमारे साथ क्या होता है वो बताता हूँ। तो जैसे ही हम गोवा एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, जो हमने कार रेंट पे कर रखी होती है वो हमें कार नहीं मिलती है वहाँ पे। फिर हम फ़ोन मिलाते हैं कार रेंटर वाले को और उससे पूछता है कि भैया कहाँ कार रह गई। फिर वो कहता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, फिर कार आती है। फिर कार आती है तो हमें पता चलता है कि हमने जो कार मंगवाई थी वो वाली कार नहीं होती है, क्योंकि हमने मंगवाई थी स्विफ्ट और वो भेज देता है डिज़ायर। फिर हमारे थोड़ी देर उससे पंगे चलते हैं और हम वो कार कैंसिल कर देते हैं। फिर हम वहीं पर एक दूसरी कार रेंट पर रहते हैं, जो कि हमें 1600 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ती है। कार को लेते टाइम पूरा चेक किया जाता है, उसकी पूरी वीडियो बनाई जाती है, ताकि बाद में जब हम कार को वापस ड्रॉप करने आए तो देख सके कि कहाँ कहाँ स्क्रैच पहले था और कहाँ कहाँ नया आया है। फिर हम सारा प्रोसीजर पूरा करके कार वाले को रुपये देते हैं, 3000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है वो डिपॉज़िट के नाम के, और हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। फिर हम रूम पर पहुँचते ही वहाँ पर अपने बैग पटकते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अंजुना बीच की तरफ। करीब रात के 1 बजे हम अंजुना बीच पर पहुंचते हैं और पूरी रात वहीं रहते हैं। 5 या 6 बजे तक हम अंजुना बीच पर रहते हैं और वहीं पे खाते पीते हैं। फिर सुबह आके हम अपने रूम पर सो जाते हैं और तैयार होकर निकलते हैं दोपहर में और पहुंचते हैं पर्पल मार्टिनी में। पर्पल मार्टिनी कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, और साइड में इसके सी व्यू होता है। यहाँ पर 4 बजे तक ये टेबल फ्री में रहती है और बाद में पेड हो जाती है, क्योंकि 4 बजे के बाद ये क्लब बन जाता है और पूरे गाने वाने बजते हैं यहाँ पे। तो 4 बजे तक तो आप फ्री में बैठ सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको रुपए देने पड़ेंगे पर टेबल के। पर्पल मार्टिनी के बाहर यहाँ पे पूरी शॉप रहती है, लेकिन यहाँ पे लड़कों के सामान बहुत कम मिलता है। गोवा में ज़्यादातर आपको लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, लड़कों के बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी शॉप, यहाँ पर आपको लड़कियों के ही सामान दिख रहे होंगे दूर दूर तक। फिर हम वहाँ से निकलते हैं और आते हैं चपोरा फोर्ट पे। चपोरा फोर्ट देख सकते हो आप कि कितना ऊपर है, वहाँ तक हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा, पर आपको मेरे को देखना हो तो ये देख सकते हो आप। थोड़ी सी आगे यहाँ पे शॉप होती है जहाँ पे नारियल का पानी, जूस, शिकंजी ये सब मिलता है, और नारियल पानी का रेट वहाँ पर भी सेम ही होता है, 50 रुपये का मिलता है, हमारे यहाँ पर 60 का है, तो कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर हरियाणा में 60 का है, वहाँ पर 50 का, तो कुछ ज़्यादा वो फ़र्क नहीं था, 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। अब आपको चपोरा फोर्ट के ऊपर जाके दिखाते हैं कि कैसा व्यू है वहाँ का और कैसा कुछ है चपोरा फोर्ट। और यह चपोरा फोर्ट का गेट, और चपोरा फोर्ट से भी अच्छा व्यू दिखता है कि ऊपर से आप देख सकते हो दूर दूर तक पहाड़ वाड़ सी वी सब दिखता है। और अब चलते हैं चपोरा फोर्ट के अंदर, और चपोरा फोर्ट में आप एंट्री करोगे, उस एंट्री का टाइमिंग भी आप देख सकते हो, अंदर दिखाता हूँ सही से। और चपोरा फोर्ट की जैसे ही एंट्री करते हो, चपोरा फोर्ट शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, फोर्ट के नाम पर खाली पड़ा है, क्योंकि सब कुछ डाया पड़ा है, यहाँ पर सब ख़त्म पड़ा है। चपोरा फोर्ट की यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो और टाइमिंग भी देख सकते हो, जो कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। और चपोरा फोर्ट अंदर से कुछ दिखाने जैसा है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ी है यहाँ पे, सिर्फ बाउंड्री पे एक दीवार खड़ी है, अंदर कुछ है नहीं। यहाँ पे बस आप फ़ोटो खींच सकते हो आपस में एक दूसरे की, और यहाँ से आप चपोरा बीच देख सकते हो जो कि सामने है।
फिर हम वहाँ से निकल जाते और जाते बागा बीच की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं चपोरा फोर्ट में रुकने लायक, तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुकते नहीं है और वहाँ से निकल जाते जल्दी से और जाते हैं बागा बीच पे। बागा बीच के रास्ते में यहाँ पे कायाकिंग वाली रिवर पड़ती है जहाँ पे आप कायाकिंग कर सकते हो। यहाँ के रेट अलग अलग होते हैं जो कि मैं बाद में बताऊँगा आने वाले व्लॉग में, कायाकिंग करते हुए दिखाऊँगा आपको। और हम पहुँचते हैं बागा बीच के पास, और बागा बीच के बाहर ही यहाँ पे मार्केट होता है, पूरा बड़ा सारा मार्केट है यहाँ पे बागा बीच के बाहर। और यहाँ पे आप गोवा में तो दो ही चीज़ ज़्यादा मिलती है, ठेके और लड़कियों के सामान। यहाँ पे लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा मिलती है, और जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो वहीं वैसा ही हिसाब यहाँ पे है बागा बीच के बाहर भी। ऐसा है बागा बीच, बागा बीच पे आप पूरी पगड़ी रहती है, यहाँ पे इंडियंस ज़्यादा रहते हैं, फॉरनर्स ज़्यादा नहीं रहते हैं यहाँ पे। आगे पानी के पास जाके दिखाता हूँ आपको। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।